जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। अब तबीयत आज भले ही अपनी नासाज हो, परंतु आपके लिए माता रानी से आपके पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने की कामना जरूर करते हैं। अब दोस्तों, ये तो जीवन है, उतार चढ़ाव तबीयत में भी आता रहता है, पर आज हम आपको जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वे विषय है शत्रु पर या अपने बोस पर, या चल रहा है कोई मुकदमा कोर्ट में, नहीं मान रहा है विपक्ष का वकील, तो कैसे विजय प्राप्त करेंगे। अब यह समस्याएं तो दोस्तों बनी ही रहती हैं। शत्रु के नाम से ही हमें भय लगता है, और यदि उलझ जाए कोई मुकदमा, चला जाए कोर्ट कचहरी में, तब तो बिल्कुल ही खाना पीना भी हराम हो जाता है, या आप कर रहे हैं काम किसी ऑफिस में और नहीं बनती अपने बॉस से, रहती है अनबन, तो कैसे टिक पाएंगे आप वहां पर? नहीं टिक सकते। आपके लिए मैं जो मंत्र बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, यदि आप उसे करेंगे तो समझ लेना आप अपने इन सभी कार्यों में सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात का मैं वर्णन अवश्य कर देना चाहता हूं कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना और किसी भी मुकदमे में या बॉस पर आपने विजय प्राप्त करना, इसमें बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। वह अंतर भी मैं बता दूंगा। विधि वही रहेगी, मंत्र वही रहेगा। आप करेंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। शत्रु का दोस्तों बार बार में नाम लेने से शत्रु की शक्ति बढ़ती है, ऐसा हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। अपने खास मित्र के सामने भी शत्रु का की शक्ति का वर्णन ना करें, शत्रु का नाम बार बार में ना लें, वह बात शत्रु तक भी पहुंच जाती है और शत्रु और ज्यादा भयभीत करने लग जाता है। सबसे पहले तो आपने करना है कि अपने दिमाग से शत्रु का नाम निकाल दें, उसका वर्णन किसी के सामने ना करें। भले ही अपने मन में हो, वह तो आपको पता ही है। अब आपने इसका करना कैसे है? इस प्रयोग को पूर्णिमा के दिन से शुरू किया जाता है। पूर्णिमा के दिन से जब आप प्रारंभ करेंगे, इसको संध्या के समय 7 बजे से 10 बजे के बीच में कोई भी एक समय बना लें, उस समय इसे करें। अपने सामने पूर्व की तरफ आप मुख करके बैठें और अपने सामने एक पट्टा या चौकी रखें। अब आप एक अपने घर में पीतल की थाली ना हो तो एक पीतल की थाली का आप मंगवा करके अपने पास पहले से ही रख लेना। आप जहां पर आप खाना बनाते हैं वह तवा होता है, उस तवे के नीचे वो कालस लग जाती है, उसकी थोड़ी कालस उतार लें, थोड़ा जल मिला करके और अपनी उंगली से, ये मध्यमा उंगली से अच्छी प्रकार से उसे हिलाएं मिलाएं, तो
तो वह एक थोड़ी देर में मिलाते रहेंगे तो शाही के रूप में बन जाएगी। अब आपने थाली के अंदर उस शत्रु का नाम लिखना है जिससे भी आप परेशान हैं, जिस पर आपने विजय प्राप्त करनी है। उसका नाम लिखने के बाद ये मध्यमा उंगली से लिखना है दोस्तों, और उस थाली को उलट करके यानी औंधा करके अपने पट्टे या चौकी पर रख दें, यानी शत्रु का नाम नीचे की तरफ हो जाएगा और ऊपर उल्टी थाली हो जाएगी। उल्टी थाली के ऊपर आपने एक कटोरी में 50 ग्राम की लगभग पीली सरसों डाल करके रख लेनी है। अंदाजे से डाल लेना, 50 ग्राम हो, 60 ग्राम हो, 100 ग्राम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक कटोरी में पीली सरसों डाल करके रख लेना। अब यह कार्य जब आप पूर्णिमा से प्रारंभ करेंगे तब आपने इसमें किसी प्रकार के दीपक जलाने की, अगरबत्ती लगाने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। पास में जल रख लेना और थोड़ा जल लेकर के संकल्प लेना है, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना नाम बोल करके, अपने पिता का नाम बोल करके, अपने स्थान का नाम बोल करके, मैं अपने इस नाम के शत्रु, शत्रु का नाम बोलना है यहाँ पर विजय प्राप्त करने के लिए यह शत्रु स्तंभन मंत्र का जप कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें, जल को नीचे गिरा देना। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। कोई भी एक माला ले लेना, किसी भी प्रकार की हो, गोमुखी जरूर लेना, माला को गोमुखी में ही रखना है। और आपने अब जो मंत्र जप करने हैं, कुछ मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, आपके कोई गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय कुछ मंत्र, उसके बाद इन मंत्रों का जप करना है। और कितना करना है? 3 माला करनी है। इसका विधान भी मैं समझाऊंगा। 6-7 मिनट में माला हो जाती है और 20 मिनट में ही 3 माला पूर्ण हो जाती है दोस्तों। अब सबसे पहले मंत्र को नोट कर लीजिए, ओम नमो भगवते रुद्राय अमुक नामने शत्रु स्तंभ स्तंभ ठह ठह स्वाहा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी दे दिया गया है। आसान मंत्र है, आपने इस मंत्र को करना है। अब आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जो अमुक नाम ने लिखा है यहाँ पे शत्रु का नाम नहीं बोलना है, बार बार में शत्रु के नाम का उच्चारण नहीं करना है। उसको तो हमने उस पीली सरसों के नीचे ढक करके रख दिया है। संकल्प में जरूर बोलना है और उसके बाद अमुक नामने से ही इस मंत्र को करना है। ओम नमो भगवते रुद्राय अमुक नामने शत्रु स्तंभ स्तंभ ठह ठह स्वाहा। 3 माला करना है, यानी कि 3 माला में आपके 324 मंत्र हो जाते। इसका विधान है दोस्तों 10,000 मंत्रों का, और 10,000 मंत्र आपने 31 दिन में पूर्ण करने हैं। आपने पूर्णिमा से शुरू करना है, किसी भी पूर्णिमा से शुरू करें, और अब आपने 31 दिन काउंट कर लेना है। आप इसे करेंगे कैसे? ऐसा नहीं कि अब आप रोज 3 माला करेंगे तो 31 दिन में 93 माला हो। ऊपर की जो माला में 100 से अधिक 8 मनिये होते हैं उनका काउंट नहीं करना है आपने। एक माला में हम 100 मनिये मान के ही उसका जप करेंगे कि एक माला 100 के बराबर है। अब हम 31 दिन यदि मंत्र जप करते हैं तो हमारी 93 माला पूर्ण हो जाती है।
अब सात माला आप कैसे करेंगे? अब इसको कभी भी व्यवधान को बिगाड़ना नहीं है, आपने प्रथम 24 दिन तीन तीन माला करनी है, 24 72, और फिर 7 दिन चार चार माला करनी है, 7 4 28 72 28, 100 माला आपने पूरी करनी है, 10,000 मंत्र आपके पूरे हो जाते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि प्रथम में या बीच में आपने 4 माला कभी नहीं लेनी है, क्योंकि हम पूजा के जो अपने नियम हैं, पूजा को हम बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते, तो पहले हमने नहीं लेनी है, अंत के 7 दिनों में हमने 4 4 माला हैं यह लेनी है, और हमने 100 मालाओं का जो चक्र है वह हमारा पूरा हो जाता है। अब एक बात का जो ध्यान रखना है वह यह है कि आप जब माला करते हैं तब आप जहाँ जिस स्थान को एकांत स्थान बनाएं उस पे कपड़ा ढक के रख दें, जो कि तो ना थाली को उठाना है वहाँ से और ना ही जिस कटोरी में पीली सरसों रखी है उसको उठाना है, उसके ऊपर कुछ भी ढक करके रख दें ताकि उस पर चूहे वगैरह ना आए और उसको डिस्टर्ब ना करें। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए। अब आपकी 3 मालाएं पूरी होने के पश्चात इसी प्रकार से आपने जल लेना है। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, हे परमपिता परमेश्वर, मैंने अपना नाम बोलना है, पिता का नाम बोलना है, यह अपने इस शत्रु के लिए उसका नाम बोलना है, जो स्तंभन मंत्र किए यह अपने कार्य की सफलता के लिए ब्रह्म को अर्पण करता हूँ। एक दिन का कार्य पूर्ण हो गया है, 31 दिन आपने इसी प्रकार से करना है, और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तब जो पीली सरसों है उसे तो दीपक अपने पूजा स्थान में रख दें, और जो थाली है उसे आप राख से साफ करके अपने घर में रखें। अब जो पीली सरसों रखी है आपने 31 दिन के बाद अगले दिन 32वें दिन आपने उसमें अपना पीली सरसों में अंगूठा घुमाते हुए, उस कटोरी में अंगूठा घुमाते हुए इस मंत्र का ही जप करना है जो मंत्र आपने किया है। 2 मिनट करें, 4 मिनट करें, 5 मिनट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिनने की जरूरत नहीं है। यह अब आपकी जो पीली सरसों है यह बिल्कुल तैयार हो जाती है। जब भी शत्रु के सामने आप जाएं या लगता है यहाँ शत्रु आने का आपको भय लग रहा है, आप अपने सामने थोड़ी सी पीली सरसों चुटकी पर 10 12 दाने, बस उन्हीं का इतना प्रभाव होगा कि वह आपसे 10 कदम दूर भी आपने डाली है तो वहां ना तो शत्रु आएगा, आ गया तो उसके विचार बदल जाएंगे, शत्रु के भाव से आपको देखेगा नहीं। बहुत अच्छा प्रयोग है करना। अब बात आती है कि यदि आपने अपने बोस से काम निकलवाना है तब सारी विधि जो की तो रहेगी जो बताया है, लेकिन यहाँ पर अमुक नाम ने शत्रु का उच्चारण नहीं किया जाएगा, केवल अमुक नाम ने के बाद जो शत्रु बोला है उस शत्रु का उच्चारण नहीं, यहाँ पर उस व्यक्ति के नाम का उच्चारण करना पड़ेगा, जिस व्यक्ति जो आपका बोस है या कोई विपक्ष का वकील है या कोई मैजिस्ट्रेट है कि जिससे आप अपना काम निकलवाना चाहते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि किसी का नाम दीनदयाल ही है, चाहे वह आपका बोस है या आप जिससे भी अपना काम निकलवाना चाहते हैं, थाली में तो लिखेंगे दीनदयाल, इसी प्रकार से आप अपना जो संकल्प लेंगे उसमें भी बोलेंगे, लेकिन अब आपने
मंत्र कैसे बोलना है। ओम नमो भगवते रुद्राय दीन दयाल स्तंभ स्तंभ ठह ठह स्वाहा। बस यहां पर यह बोलना है जिससे भी आपने अपना काम निकलवाना है, और जब आप जाएं तो उस पीली सरसों को पहले अपने सामने डाल दें और फिर उस व्यक्ति से बात करें जिससे काम निकलवाना है। करके देख लेना, बहुत अच्छा प्रयोग है। अच्छा लगता है यार दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।